क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 आ रहे हैं इंटीग्रिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर में हम जो इंटीग्रल कर रहे हैं उस इंटीग्रल का जो मेथड है इसको लगा रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन। हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इंटीग्रल नहीं कर रहे इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक्सरसाइज 5 आई पा रहे क्वेश्चन नंबर 5 y = tan इनवर्स ये हमारा नंबर है ये क्वेश्चन में गिवन है तो y = बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी कोशिश करेंगे tan की टर्म बनाने के लिए। तो ये मैंने बताया था ये cos माइनस होता है तो cos 2x वाला भाग पूरा sin की टर्म में रहता है अगर प्लस में होता है तो cos 2x वाला भाग पूरा cos की टर्म में रहता है। 1 से 1 कट गया 1 से 1 कट गया 2 से 2 कट गया sin स्क्वायर 3x / 2 / cos स्क्वायर 3x / 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कट गया sin 3x / 2 / cos 3x / 2 tan 3x / 2 tan इनवर्स tan हट गया y = 3x / 2 बच गया dy / dx 3 / 2 जो बचा x का dy dx करेंगे dy 3 / 2 आ गया और dy dx ऑफ x का मान आ गया एक आंसर आ गया 3 / 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है यहां sec इनवर्स दिया हुआ है अंदर ये टर्म दे रखी तो हमें एक कोशिश करनी चाहिए पहले किसका भाग हुआ है तो sec इनवर्स x 1 / इस प्लस वाले टर्म को नीचे लिया इसे तो ये फार्मूला है cos 2x का तो ये फार्मूला आ गया y = sec इनवर्स 1 / cos 2x 1 / cos 2x होता है sec 2x और ये sec इनवर्स से sec हट गया ये बच गया 2x 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये 2x का डिफरेंशियल 1 आंसर आ गया इसका 2 बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 y = cos इनवर्स अंदर ये टर्म दे रखी तो ये फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर को इसके भी नीचे ले गए और ये नीचे फार्मूला तैयार हो गया sin 2x का और 1 / sin 2x होता है cos cosec 2x cosec यहां पे cosec इनवर्स यहां पे कैंसिल हो गया इससे y = 2x आ गया y = 2x का डिफरेंशियल लेंगे dy / dx = 2 आ गया। ऐसे ही सर्वा क्वेश्चन है 8वां y = sin इनवर्स cosec + tan इनवर्स cotx तो y = sin इनवर्स इस cosec को चेंज करेंगे sin के क्रम में sin 90 - थीटा में इसको भी चेंज करेंगे कोण को tan 90 - x है तो यहां पे sin इनवर्स यहां पे sin कैंसिल यहां बच गया pi / 2 - x यहां पे tan इनवर्स यहां tan कैंसिल pi / 2 - x pi / 2 pi / 2 यानी कि 90 90 180 यानी pi आ गया - x - x ये - 2x हो गया और अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल आएगा dy / dx pi का 0 2 x का डिफरेंशियल 1 इसका आंसर आएगा माइनस के 2। दैट्स ऑल चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे और इसकी एक्सरसाइज की फोटो मैंने आपको भेज रखी इसके क्वेश्चन पढ़ रही है।